सुनाओ। साथियों, मैं साकेत मून, ट्रिपल एस में पीएचडी का छात्र, आज आपके सामने जेएनयू से चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की तरफ से। और मैं नागपुर से आता हूँ, ये वही नागपुर है जिसको आरएसएस का लोग सोचता है कि एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का गढ़ है, जिसको सोचता है कि आरएसएस का ऑफिस वहां पे है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक संघर्षों की भूमि है, जहाँ पे एक तरफ जातिवाद और हिंदुत्ववादी विचारधारा की बात की जाती है तो दूसरे तरफ अम्बेडकरवाद है। और ऐसे ही एक अम्बेडकरवादी परिवार से मैं आता हूँ, और अगर मैं आज यहाँ पे इस मंच पे खड़ा हूँ, आपके सामने अपना बात रखा हूँ, तो एक जोरदार धमाका है इन जातिवादी ताकतों के मुंह पे, और ये बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों की एक जीत है। और आज इस यूजीएम के फ्लोर पे कई विभिन्न टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, पर उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत के गृह मंत्री अमित शाह से, कि अमित शाह जी, जरा आप एक बात मुझे बताइए कि मोहम्मद सनाउल्ला, असम के एक रहवासी को आप किस बिना पे उनका नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं? आप किस बिना पे एक इंसान को जो 30 साल से आर्मी में सर्व किया, जिसने कारगिल के युद्ध में सबसे सामने रहकर अपनी जान दांव पे लगाई, उसे आप किस बिना पे आज एक नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं? आप किस बिना पे कह रहे हैं कि आप एक घुसपैठिए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये जो एनआरसी है के तहत ये किया जा रहा है, ये सिर्फ मोहम्मद सनाउल्ला का बात नहीं है, ये बात उन 19 लाख लोगों का है जिनको आज असम में कहा जा रहा है कि आप नागरिक नहीं है, आप एक घुसपैठिए हैं। और ये जो एक राष्ट्रवाद का अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आज एक लोकतंत्र पर इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ है। आज फांसीवाद हमारे लिए कोई डिबेट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको किताबों में पढ़ते हैं, क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। आज वो इस देश में एक असलियत है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, रातों रात एक पूरे राज्य को कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके, एक पूरे राज्य के अपोजिशन मिनिस्टर्स को, अपोजिशन के चुने हुए लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनका हाउस अरेस्ट किया गया, और हिंसा के और डर के बल पे वहां पे एक पूरे जम्मू एंड कश्मीर का आइडेंटिटी को छीन लिया गया। ऐसा इनका राष्ट्रवाद है। और ये सब जब हुआ, जब 370 को अपग्रेड किया गया, तो किया गया विकास के नाम पे। तो ये कौन सा विकास का बात कर रहे हैं? ये मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि ये कैसा विकास है कि आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे, पर आज बेरोजगारी और गरीबी इतना बढ़ गया है कि जनता के पास 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीदने का पैसा नहीं है। आज रोज देख रहे पार्ले जी के फैक्ट्री 10,000 मजदूरों से निकाल दिया जा रहा है। आज बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा में पहुंची हुई है। किसानों की आत्महत्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और इस सब में जुमले घुमाए जा रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेके इस देश को एक आर्थिक मंदी की तरफ ढकेला जा रहा है। और जब ये सब हो रहा है, जब लोकतंत्र पे इतना बड़ा खतरा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देश का अपोजिशन कहीं ना कहीं हताश बैठ गया है। और इस हताशा को तोड़ते हुए इस देश का छात्र और युवक सड़कों पे उतर के एक लड़ाई लड़ रहा है, लाठियों को खा के, गोलियों को खा के। और उस पूरे लड़ाई में 50 साल से जेएनयू का छात्र आंदोलन सबसे अग्रिम कतार में खड़ा हुआ है। जेएनयू का छात्र आंदोलन हमेशा से जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ भी अत्याचार होता है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाता है। और इसलिए जेएनयू के ऊपर एक हमला होता है, जेएनयू एक पंचिंग बैग बना दिया गया है कि चाहे देश में जो भी हो, जो भी मुद्दा हो, जाके जेएनयू को घुसा मारना है। याद कीजिए 2016, जब यही एबीवीपी का लोग शटडाउन जेएनयू का नारा लगाया था, कहा था जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। और जब ये सब हम फेल कर दिए, यहाँ का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेक्शन मिलके लड़ाई लड़के इस इनके साजिश को फेल कर दिया गया, तब अलग अलग तरीके से ये लोग अपने पॉलिसी से शटडाउन जेएनयू को आगे बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए किस तरीके से यूजीसी गजट को लाके सीट कट किया गया इस कैंपस में, याद कीजिए किस तरीके से जीएस कैश को डिसमेंटल करने की कोशिश की गई, और याद कीजिए किस तरीके से फंड कट करके इंजीनियर एमबीए का फी बढ़ा के लाइब्रेरी और हॉस्टल के मुद्दे के ऊपर फंड कट पैसा नहीं है ये कहते हुए उसको बाजू में ढकेल दिया गया। और इन तमाम चीजों में एबीवीपी का क्या रोल रहा? एबीवीपी वही रोल निभाया है जो आजादी के पहले ब्रिटिशर्स ने निभाया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आरएसएस ने निभाया था, कि आरएसएस जाके ब्रिटिशर का तलवा चाटता था, सावरकर माफीनामे लिखता था, और आज एबीवीपी जो है वो बीसी का पिछला गु बन गया है। सबसे पहले जाके आईसीसी में नॉमिनेशन भरता है, सबसे पहले वो जाके जब रिजर्वेशन कटल होता है वहां पे ताली बजाता है, जब जेएनयू से हंगर स्ट्राइक करता है 9 दिन के लिए भूखा रहता है, तब यही लोग जाके वीसी के साथ मिठाई खाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं कंडेम करता हूँ आपके इस व्यवहार को। और
जूनियर का जो स्ट्रगल रहा है पिछले कई सालों से, चाहे आप देखिए किस तरीके से यूनियन ने एक हीरोइक स्ट्रगल लीड करके जीएस कैश का इलेक्शन करवाया इसी के साथ मिलके, किस तरीके से यूनियन ने अटेंडेंस को इस कैंपस में लागू नहीं होने दिया, किस तरीके से यूनियन ने 100% वाइवा को वापस रोल बैक करवाया, इन सारे चीजों के साथ साथ आज हमारे सामने कई नई चुनौतियां है। आने वाले समय में हमारा एक जो एजेंडा होगा उसका एक विजन होगा, वो होगा जेंडर जस्टिस का। जीएस कैश को वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे और जब तक आता नहीं है तब तक यूनियन मास लेवल पे जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम करेगा, सोशल जस्टिस के लिए लड़ेंगे और रिजर्वेशन की पॉलिसी पूरी हो, इस कैंपस में सोशल जस्टिस लागू हो इसके ऊपर हम लोग एक आवाज रखेंगे, डिप्रेशन पॉइंट्स वापस लाने के लिए आवाज रखेंगे, इंजीनियरिंग और एमबीए की फीस को कम करने का बात करेंगे, साथ ही साथ एमसीएम और नॉन नेट बढ़ाने के लिए इस प्रशासन को झुका के रहेंगे, इस यूजीसी को झुका के रहेंगे और कहेंगे कि फेलोशिप आपको बढ़ाना ही होगा, सबको देना पड़ेगा, आरजीएनएफ हो, एमएनएफ हो, चाहे एनएफएसटी हो या फिर और जितने सारे फेलोशिप है उन सारों के बारे में हम एक बात रखेंगे। और जब ये सब होगा तब साथ में हमें याद रखना पड़ेगा कि हम एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है। वो कौन सा संघर्ष है? वो संघर्ष है जो हजारों सालों से इस देश में चलते आ रहा है। एक तरफ ये लोग हैं आरएसएस के जो चिल्ला चिल्ला के नारेबाजी दे रहे हैं, पर इन्हीं लोग का इतिहास है इस देश में ऊंच नीच की परंपरा का, इन्हीं लोग का इतिहास है सत्ता के लिए अलग अलग तरीके से करने का, अलग अलग तरीके से इस देश में दमन करने का। दूसरा हम लोग है जो आज एक संघर्ष की एकता से आपके सामने आए हैं, जो चारवाक के लेगेसी को आगे ले जाते हैं जिनका आपने खून कर दिया, जो संत रविदास के लेगेसी को आगे ले जाते हैं जिनका आपने अभी हाल फिलहाल में मंदिर का डिस्ट्रक्शन कर दिया, हम भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के और किसान मजदूर संघर्ष के लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं। और आने वाले 6 तारीख को मेरे दोस्तों एक प्रोटेस्ट होने वाला है, उस प्रोटेस्ट का नाम है जेएनयूसी का चुनाव। इस प्रोटेस्ट में एक आंदोलन होगा कि इस कैंपस में जमहूरियत बची रहे, जो आज प्रशासन के तरफ से कोशिश की जा रही है बार बार पिछले साल से किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की जाए, उसमें भी स्टूडेंट ईसी अभी भी लगा हुआ है, अभी तक के प्रशासन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे। मैं इसी को भी लाल सलाम पेश करना चाहता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो जमहूरियत की लड़ाई है कि आने वाले समय में जेएनयूएसयू एक रोशनी की किरण बन के आगे आएगा, जो इस फासीवाद के अंधेरे को चीरते हुए इन्हीं मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों को परास्त करते हुए एक अपना बात रखेगा और एक कहेगा कि आज भी जेएनयू का छात्र सही Speaker, सही को सही और गलत गलत बोलना जानता है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि पूरे लेफ्ट यूनिटी के पैनल को वोट कीजिए और मैं साकेत मूल वाइट को What will you do to put an end to the cumbersome system of punching attendance at dean office for JNU staff? साथियों, इस बात पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2017 का वो आंदोलन जो कंपल्सरी अटेंडेंस के खिलाफ था, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे प्रगतिशील छात्रों ने यूनियन की लीडरशिप में एक आंदोलन लड़ा, कहा कि हम अटेंडेंस नहीं देंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, अपने स्टूडेंटशिप को दांव पे लगा के ये कहा कि हम नहीं देंगे अटेंडेंस, आप जो चाहे वो कर लीजिए। और इसी आंदोलन का नतीजा था कि जो एड ब्लॉक से शुरू हुआ अपने क्लासरूम तक के गया कि दिल्ली हाईकोर्ट को भी मानना पड़ा कि जेएनयू में अटेंडेंस सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता है। और जो बात आती है कर्मचारियों की, जब बात आती है सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो हम कहेंगे कि जेएनयूएसयू और जेएनयू का छात्र आंदोलन ही हमेशा से छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ टीचर्स का भी बात रखा है, सारे सेक्शंस का बात रखा है। आप याद कीजिए कि किस तरीके से जेएनयूएसयू की लीडरशिप में गार्ड्स के बोनस के लिए आंदोलन लड़ा गया, किस तरीके से आने वाले समय में हमको एक आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अब देखिए 17 सितंबर को वीसी की तरफ से एक फरमान आया है कि जितना 450 जीफोर्स गार्ड है उनको रातों रात काम से निकाल दिया जाएगा, बेरोजगार कर दिया जाएगा, चाहे जो यूनियन चुन के आए, इस संघर्ष को हम लड़ेंगे और ये कहेंगे कि ये संघीय प्रशासन चाहे जो कर ले, हम लोग यहाँ पे अन्याय होने नहीं देंगे, चाहे छात्रों के साथ हो, चाहे वो गार्ड के साथ हो, चाहे कर्मचारी के साथ हो। और आज जेएनयू में जो सारे सेक्शन अपना अपना काम करते हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, अटेंडेंस का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और छात्र शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इतने साल से लेफ्ट का गढ़ रहा है जेएनयू, लेकिन आज भी है यूनिवर्सिटी मॉडर्न फैसिलिटीज से काफी दूर, ऐसा क्यों? साथियों, जब बात आती है मॉडर्न यूनिवर्सिटी की, तो हमको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्या है। अगर आज मेरे जैसा एक छात्र यहाँ पे खड़े रह के अपना बात रख सकता है, अगर एक लव्य से लेके रोहित उमला तक, और आज यहाँ पे अगर हम लोग आके अपना बात रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रगतिशील छात्र आंदोलन का एक नतीजा है यहाँ पे जो पिछले समय में जितने यूनियंस रहे उनके एक संघर्ष का, कि यहाँ पे आज छात्र आके अपनी बात रख सकते हैं, आज पिछड़े वंचित बहुजन तबके से छात्र आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, और जो ये ब्राह्मणवादी अग्रहारा का जो मॉडल है, जो आरएसएस का हिंदुत्ववाद का मॉडल है, इसको तोड़ने के लिए गहरी चोट की गई है।
और इसीलिए ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज जब ये हो रहा है तो इसके खिलाफ एक राइट विंग की तरफ से असॉल्ट भी हो रहा है। आप याद कीजिए रोहित विमला को, जो मेरे जैसा एक छात्र था, जो आपके जैसा एक छात्र था, जिसकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दी गई इन्हीं एबीपी के लोगों द्वारा, इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों द्वारा, और उसके बदले में जो बंदारू दत्तात्रेय, जो हत्यारा जिसके हाथ में रोहित विमला का खून है, उसको एक अवार्ड दिया गया है, उसको दो राज्यों का गवर्नर बना के शर्म आनी चाहिए। कंडेम करता हूँ इस बात को। और आगे बढ़ते हुए अगर मॉडर्न यूनिवर्सिटी का बात किया जाता है, मॉडर्न फैसिलिटीज का बात किया जाता है, तो बेशक हम चाहते हैं, बेशक हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल बने, हॉस्टल बैरियर फ्री हो, उसमें सब तरीके की सुविधाएं हो। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी में जर्नल रहे, लाइब्रेरी में किताब रहे, लाइब्रेरी एक्सेसिबल हो, और हम चाहते हैं कि जितने तरीके से हम यूनिवर्सिटी को और बेहतर बना सकते हैं बनाया जाए। पर मैं एबीवीपी से एक सवाल इसमें जरूर पूछना चाहूंगा कि आज आप कहते हैं कि ये यूनियन के कारण नहीं हुआ, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका तो प्रशासन है, आपका तो सरकार है, आपका तो एचआरडी मिनिस्टर है, क्यों नहीं बन रहा है हॉस्टल? जरा एक बात बताइए मुझे, आप बताइए मुझे कि क्यों वाइस चांसलर 3 साल से क्यों डीयू में देखिए आपका यूनियन बार बार चुन के आता है, क्यों वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, क्यों ये आपका मॉडर्न यूनिवर्सिटी का आइडिया वहाँ पे जाके फेल हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एबीवीपी के प्रत्याशी मेरे पहले यहाँ पे आके जीएस कैश की बात करती गई, पूछना चाहता हूँ कि जब जीएस कैश को डिसमेंटल किया गया, क्यों एबीवीपी की प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मोनिका अरोरा कोर्ट में जाके जीएस कैश को खत्म करने के लिए केस लड़ती है? क्यों यूजीसी गजट के पक्ष में केस लड़ती है? क्यों ये होता है? और आगे आने वाले समय में ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, इसको अपहेल्ड करते हुए एक इक्वल यूनिवर्सिटी जहाँ पे सारे छात्र किसी भी पिछड़े वंचित तबके से आगे पढ़ सके, उसके लिए हम संघर्ष लड़ेंगे, हम उस संघर्ष को जीतेंगे। और आने वाले 6 तारीख को जो एक संघर्ष होने वाला है, जो आंदोलन होने वाला है, उसमें अपील रहेगा आप आइए, यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को भारी से भारी बहुमत से जिताइए और संघर्ष को आगे ले जाइए। यह कहकर अपना बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद।